राजस्थान में 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड जारी रहा और कांग्रेस के बाद बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन बीजेपी का भी अपना अलग ट्रेंड है, ट्रेंड बुलडोजर का, जो शुरू तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, लेकिन बीजेपी ने इसे अपना एजेंडा बना लिया है। इसीलिए तो अब राजस्थान में भी जब बीजेपी की सरकार बनी तो वहाँ भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। दरअसल यूपी में बुलडोजर जस्टिस बहुत चलता है। माफिया और अवैध अतिक्रमण पर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन चलता रहता है। ऐसे में अब राजस्थान में भी यही देखने को मिल रहा है, जहां राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध नॉनवेज की दुकानों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां कई अवैध नॉनवेज की दुकानों को हटा दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये एक्शन यूआईटी के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लिया गया। एक्शन लेते हुए यूआईटी के अतिक्रमण विरोधी दस्ते के साथ बालाजी नगर मीट की अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस बारे में यूआईटी के अतिक्रमण विरोधी दस्ते के डिप्टी एसपी आशीष भार्गव कहते हैं, बालाजी मार्केट में नॉनवेज की अवैध दुकानों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए अवैध दुकानों पर कार्रवाई की गई है। हुआ कुछ यूं था कि कोटा के बालाजी नगर के कुछ लोग यूआईटी के पास शिकायत लेकर गए कि मार्केट में नॉनवेज की अवैध दुकानें हैं। इसको लेकर बकायदा शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। शिकायत के बाद यूआईटी एक्शन में आई और मौके पर पहुंची। तब ये पाया गया कि लोगों ने अवैध रूप से कच्ची और अस्थायी दुकानें बना रखी थी, जिसकी वजह से वहां आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही थी और तो और खुले में नॉनवेज भी बेचा जा रहा था। इसके बाद उन्हें चेतावनी भी दी गई। इतना होने के बाद कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने निगम और यूआईटी के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यूआईटी अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान विधायक संदीप शर्मा ने अवैध रूप से संचालित नॉनवेज दुकानों को बंद करवाने को कहा, जिसके बाद कार्रवाई की गई और बुलडोजर एक्शन लेते हुए अवैध नॉनवेज की दुकानों को ध्वस्त किया गया। यूआईटी की टीम ने 1.5 दर्जन से अधिक दुकानों पर बुलडोजर एक्शन लिया और इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई कि वापस से दुकान ना लगाई जाए। तो कुछ इस तरह से बीजेपी की सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन भी राजस्थान में शुरू हो गया। कुछ लोग इस एक्शन को योगी से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि राजस्थान में भी योगी मॉडल चलाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल बात करें भजनलाल शर्मा की, तो सत्ता संभालते ही पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी पेपर लीक मामले में एक्शन लेते हुए एसआईटी का गठन करने का फैसला लिया गया था और अब राजस्थान में अवैध तरीके से चल रही नॉनवेज की दुकानों को बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त किया गया। भजनलाल शर्मा के इस बुलडोजर एक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।